नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के पुत्र राहुल गौतम ने जिला पंचायत सदस्य का नामांकन भर दिया है। राहुल गौतम इसके पहले जिला पंचायत उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इस समय श्री गौतम भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं। नामांकन भरने के दौरान श्री गौतम ने कहा कि लोक कल्याण और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से निराकरण कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र देवतलाव के वार्ड नंबर 27 से फॉर्म भरा है राहुल गौतम ने। Ladies. कल्याण का काम और प्राथमिकता के आधार पर हमारे विधानसभा देवतलाव के भीतर पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो हमारी योजना थी वो योजना को मूर्त रूप देने के लिए मैं 27 बार से मैंने फार्म भरा। पार्टी ये पार्टी के ऊपर है और मैंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जनता के लिए लोक कल्याण का काम के लिए मैंने पर्चा भर दिया। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी से मैंने प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। हाल ही में आपका एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसका खंडन भी मैंने अपना आपको स्पष्टीकरण दे दिया था। राजनीतिक रूप से चूंकि स्वाभाविक तौर पर एक जलन की प्रक्रिया होती है और उस पर मैं बृहद रूप से नहीं जाना चाहता, वो जलन है। ऑडियो आप ही का था कि नहीं मेरा नहीं था, सब गलत जानकारी। सपोर्ट मिलेगा अभी जी को लेकर कितना आश्वस्त है? मेरे फेसबुक और मेरे सोशल मीडिया में अभी जो भीड़ का जो रुझान है तो शायद मध्य प्रदेश का पहला जिला पंचायत का प्रस्तावित उम्मीदवार हूं जिसके लिए जनता 1000 और 1500 की संख्या पर खड़ी होकर के इंतजार करती है और वहां मैं पहला उम्मीदवार शायद हूं जो माइक से भाषण दे रहा हूं 2000 लोगों के बीच। जो लक्ष्य लेके आप जा रहे हैं तो क्या है जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए? ये ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं। रामायण में एक चौपाई है, सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोर प्रभुताई। किस्मत में जो लिखा होगा वो उसको मिलना तय, लेकिन प्रथम उद्देश्य माननीय विधानसभा अध्यक्ष सम्मानित श्री गिरीश गौतम जी के विधानसभा देवतलाव में चौकीदारी करने का मेरा उद्देश्य है और वहाँ लोक कल्याण का काम हो सके, प्राथमिकता के आधार पर सर्व सुविधा संपन्न हमारा देवतलाव विधानसभा क्षेत्र, साथ में ही 27 वार्ड हो सके, इसलिए मैं वहाँ पर मैंने अपनी उम्मीदवारी पेश की। और प्रजातंत्र में अपने घर से कोई लोक कल्याण नहीं कर सकता है, उसको पद पर आना रहता ही है, इसलिए वो जा करके कर सकते हैं। कौन से ऐसे प्रमुख काम हैं जो अभी भी बचे हुए हैं? कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे कई सड़कें हैं जिन सड़कों को अभी उसमें डामरीकरण होना आवश्यक है, पानी की टंकियों की पेयजल की समस्या, कई ऐसे एक प्रमुख उद्देश्य हमारा रहेगा। यदि हमको जनता का आशीर्वाद मिलता है तो हमारा प्रमुख उद्देश्य रहेगा कि अभी भी निराश्रित पेंशन, वृद्धा पेंशन, खास तौर पर से विधवा, संपूर्ण विकलांगता, ये ऐसे ऐसे जब गांवों के भीतर जब आप चलें तो आपको ये दिखाई देगा वहाँ के गांव के भीतर ऐसे ऐसे विकलांग बच्चे हैं जो संपूर्ण विकलांग हैं और उनको ट्राई साइकिल की उपलब्धता नहीं है, वो पेंशन नहीं पा रहे हैं। ऐसी मेरे वार्ड में पूरे विधानसभा क्षेत्र में इस बात की छटनी करना कि कौन ऐसे विकलांग हैं जिनको हम उनको सुविधा का लाभ दिला सकें और सारी सुविधा उनको दिलवा सकें। माननीय गिरीश गौतम जी
अभी काम कर रहे हैं, लगातार कर भी रहे हैं। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरा आपका स्वागत है, आप लोग आइए। हमने लगभग 70-80% वहाँ की समस्याओं का निदान करने में सफलता अर्जित भी की है और ज़्यादातर काम वहाँ पर हुए। अब मेरा निवेदन है कि कर्म क्षेत्र मेरा भी है, लगातार वहीं लगा रह गया, और आप सबका आशीर्वाद होगा, कोई कर्म क्षेत्र की बाध्यता नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कोई अगर और कहीं पर हमारी पार्टी निर्देश करेगी, मैं अपनी कर्मभूमि वहीं बना लूंगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।